तो सवेरे सवेरे यहाँ पर कितनी न्यूज़पेपर की गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ पे खड़ी हैं और बहुत ट्रैफिक सवेरे सवेरे। बहुत ही तेज़ बारिश लगी है तो सवेरे सवेरे शिमला की गलियां बिल्कुल एकदम सुनसान, ना बंदा ना बंदे की जात, सिर्फ हम लोगों को छोड़ के। वेलकम बैक वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है शेपर्ड 13। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया रहें। तो समय हो चुका है 5:58 और तो आप सोच रहे होंगे कि सवेरे सवेरे मैं कहाँ पे, बिल्कुल शिमला में और पीछे चर्च दिखाई दे रहा है। तो इसके बाद इसके बारे में आपसे बात करते हैं, आइए। हेलो हेलो, सॉरी अभी मेरे पास बिस्किट नहीं है, जैसे ही शॉप खुलेंगे ज़रूर आपको मैं बिस्किट खिलाऊँगा। ओके बस बस बस, मैं सवेरे सवेरे शिमला में कैसे, तो मैं आपको बता दूं कि मुझे कोई मेरा एक पर्सनल काम था भाई से रिलेटेड कोई, तो उसके लिए मैं सिर्फ एक दिन के लिए शिमला आया था। तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा ब्लॉग जो है वो शिमला का हो जाए। वैसे शिमला के बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है कि शिमला में क्या क्या देखने लायक चीज़ है, शिमला में क्या किस चीज़ के लिए फेमस है शिमला, ये सब आप सब लोग जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो 7:30 बजे बस में बैठे थे शिमला के लिए, तो अर्ली मॉर्निंग 4:30 पे हम जो है वो यहाँ पे पहुँच गए थे। और जो काम है वो 10 साढ़े 10 बजे तक होगा, तो फिर 10 साढ़े 10 बजे से होके आज ही हम जो है वापस धर्मशाला चले जाएंगे। तो बीच में से ही थोड़ा सा समय फ्री था, तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा ब्लॉग जो है वो आपको एक शिमला का हो जाए। बहुत सारे ब्लॉग्स आपको दिखे होंगे जो डे टाइम में जो बनते हैं और डे टाइम में जो बनते हैं, और डे टाइम में आपको दिखाते हैं भीड़ भागा, यहाँ पे कितने सारे लोग होते हैं। लेकिन मेरे मन में था कि मैं आपको एक्सपीरियंस कराना चाहता था कि जब मॉल रोड पे रिज पे कोई नहीं रहता है और अर्ली मॉर्निंग का व्यू कैसा होता था। इसलिए जैसा ही मैं यहाँ पर 4:30 बजे पहुँचा तो मैंने फटाफट से यहाँ से जो छोटा बस स्टैंड है शिमला का, वहाँ से मैं यहाँ पे आधे घंटे में यहाँ पे पहुँच गया। और फिर यहाँ पे आपको जो है वो मैंने सोचा क्यों ना आपको अर्ली मॉर्निंग का जो है वो व्यू दिखाया जाए। तो ये भी कुछ कहानी यहाँ आने की। मुझे तो शिमला की एक बहुत अच्छी सीरीज़ आएगी, मैंने प्लान किया है कि एक शिमला का एक स्पेशल एक ब्लॉग आएगा जो यहाँ के हिस्टोरिकल प्लेसेस के लिए, और यहाँ पर पीछे गाड़ी जा रही है, साउंड आ रही होगी, तो शिमला के हिस्टोरिकल प्लेसेस के लिए और यहाँ के टेम्पल्स का एक मैं बहुत अच्छी सीरीज़ लेके आने वाला हूँ। लेकिन उसको उस सीरीज़ को आने के में अभी थोड़ा समय लगेगा, फिर भी हो सकता है कि 1 महीना लग जाए, 2 महीने लग जाएँ। तो जैसे ही मेरी थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी अच्छी होगी तो मैं ज़रूर जो है वो शिमला का एक बहुत अच्छी सीरीज़ आप लोगों के लिए लेके आएगा। तो प्लीज़ इस छोटे से ब्लॉग को एंजॉय करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब का जो एक सिलसिला आपने रखा हुआ है प्लीज़ उसको बरकरार रखें। इसी तरह से इस वीडियो को भी इतना ही प्यार दें जैसे जितना प्यार आप मेरी पिछली वीडियो में दे रहे हैं। तो सामने ये गेट अभी बंद है, तो आइए इसे हम खोल के जो है वो अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ से व्यू। तो यहाँ से आपको बता दूं कि चारों तरफ इस समय जो है वो धुंध ही धुंध पड़ी हुई है। और दूर यहाँ पर भाई खड़ा है और आज आपको अपने भाई से भी मिलाऊंगा मैं। तो देखिए कितनी धुंध खड़ी है, और ये दोनों मेरे साथ जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से ये मेरे पीछे ही चले जा रहे हैं। तो ये वाला रास्ता जो है ये झाकू मंदिर के लिए चला जाता है, और ये सामने यहाँ से चर्च और सीधा ही रिज पे। तो आपको दिखाते हैं, ये है सामने चर्च जो बहुत ही पुराना है। अरे भैया क्या हो गया, काहे और सवेरे सवेरे। प्लीज़ लड़ना मत यार, पीस पीस पीस, नो फाइट, पीस। मैं आपको अपने भाई से मिलाने वाला हूँ, जो मेरा भाई है, रियल ब्रदर है। ना तो वो सुन सकता है ना बोल सकता है, और मेरी भाभी भी सेम मेरे भाई की तरह है, ना वो सुन सकती है और ना वो बोल सकती है। तो ऐसी कुछ अपनी ज़िंदगी है। तो कहीं भी अगर कोई भी काम रहता है, अगर उसका कोई, तो मुझे उसके साथ हमेशा जाना पड़ता है। तो ये हैं मेरे बड़े भाई और ये है मुकेश, और ये ना तो बोलते हैं और ना ये सुनते हैं। तो ये कह रहे हैं कि इसका मतलब होता है कि हाँ, तो इसका मतलब होता है कि आई लव यू सभी को। और आज मैं शिमला हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर। तो हम सुबह 5 बजे यहाँ पे पहुँच गए थे और अभी घूम रहे हैं और देख रहे हैं शिमला को। और लव यू ऑल और थैंक यू सो मच। जो मेरा ब्रदर है, ये बचपन में 7-8 साल तक बोलता था, फिर उसके बाद जो है अचानक इनको फीवर आता है 7 साल की उम्र में। और फिर पता नहीं कुछ ऐसे मेडिकल, कोई गलती बोल सकते हैं, मेडिकल मेडिसिन की या कुछ भी बोल के, तो उनकी गलती थी। तो जिसकी वजह से जो है वो मतलब इनका जो है वो चला गया, ज़ुबान चली गई, और इसकी ना सुनने और बोलने वाली जो नसें हैं वो डेड हो गया। तो ये कारण था इनका। मैंने बहुत टाइम यहाँ पे गुजारा है, शायद काश आज को ऐसा फील होता है कि अगर उस टाइम पे अगर मैं ब्लॉगिंग करता होता, जब मैं यहाँ पे रहता था, तो कहाँ से कहाँ पहुँचा होता। कितना गलत करते हैं लोग, रात को खाया पिया और यहीं खाएंगे। तो मेरी सब टूरिस्ट से रिक्वेस्ट है, मैं हमेशा कहीं जहाँ पे भी जाता हूँ, मैं वहाँ पे हर किसी से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ नेचर को गंदा ना करें। देखिए खा पी के, आपको पता है कि नीचे कितने सारे डस्टबिन लगाए गए हैं, तो लोग जो है वो चीज़ को जो है फॉलो नहीं करते हैं। तो प्लीज़ आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं तो वो प्लीज़ डस्टबिन का यूज़ करें, ऐसे बॉटल्स और वो ना फेंकें, क्योंकि ये धरती पूरी, ये नेचर हम सब का घर है। कोई स्पेसिफिक किसी का एरिया नहीं है कि ये शिमला वासियों का, ये हमारा भी उतना ही एरिया है। और हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि जब हम यहाँ आते हैं तो हम साफ़ सफाई का ध्यान रखें, क्योंकि हम आते हैं एक छोटा सा एक छोटा अगर एक कागज़ भी फेंकते जाएंगे तो वो यहाँ के लोगों के लिए कितनी बड़ी आफत बन जाएगी, आप लोग ये समझ नहीं सकते हैं। अच्छे डस्टबिन बनाए हैं, शायद मैंने पहली बार ही ऐसे डस्टबिन देखे हैं। तो देखिए रिसाइकल वेस्ट, वेट वेस्ट सब कुछ है, तो प्लीज़ इनको यूज़ करें, ना कि कूड़ा ऐसे। देखो यहाँ पे लगाया, लिख के लगाया भी गया है, लेट पुट्स द गार्बेज इन द डस्टबिन होगी। तो प्लीज़ ये चीज़ आप लोगों को फॉलो करनी चाहिए। तो यहाँ पर आए हैं हम ब्रेकफास्ट करने, तो पहले ब्रेकफास्ट करके फिर उसके बाद जो है वो आगे चलते हैं। तो जब कोविड से पहले मैं यहाँ पर आया था, तब इस बिल्डिंग का काम चल रहा था। देखिए कितनी ही अच्छी बिल्डिंग बनाती है। अभी हम हैं स्कैंडल पॉइंट पे और बस धीरे धीरे यहाँ पे लोगों का लोगों की जो भीड़ है वो स्टार्ट हो गई है। तो अभी हम जिस काम के लिए आए हैं वहाँ पे निकलेंगे। पेट पूजा हो गई है, सवेरे हम लोगों ने पराठे जो हैं वो खा लिए हैं। तो अब यहाँ से अगर हम बाई बस जाते हैं तो कुसुमटी यहाँ से हमें पड़ेगा अप्रॉक्सीमेटली 5-6 किलोमीटर पड़ेगा। लेकिन यहाँ से सीधा ही अगर मॉल रोड से जाते हैं हम हाई कोर्ट वाले रोड पे तो हमें 4 किलोमीटर पड़ेगा और 1 घंटे में पहुँच जाएंगे। तो बढ़िया है, सुबह सुबह जो है वो थोड़ा पैदल घूमेंगे और पैदल जाएंगे और देखेंगे रास्ते में क्या देखने योग्य क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और थोड़ा वॉक करेंगे तो जो खाया है वो भी पच जाएगा। समय हुआ है 8:38। अब मॉल रोड पे भीड़ पड़ना जो है वो स्टार्ट हो गई है और जिस रोड पे हम जा रहे हैं ये रास्ता जो है वो हाई कोर्ट में जाके मिलता है। तो यहाँ होटल क्लार्क के पास से पूरा शिमला का जो व्यू है वो दिखाई देता है। यहाँ पे देखिए कितने सारे घर और पूरा शिमला। पहुँच चुके हैं हमारे मुख्यमंत्री के आवास के बाहर। तो ये हमारे मुख्यमंत्री जी का आवास है शिमला में। कोहरा ही कोहरा नज़र आ रहा है। मेरे को वो वाला मीम याद आ गया, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा, वादियाँ ही वादियाँ, बहुत ही घना कोहरा पड़ा हुआ है यहाँ पर। अभी बीच में 1-2 पॉइंट ऐसे थे कि वहाँ पर मतलब यहाँ से और 500 मीटर आगे बंदा देख पाना भी बहुत मुश्किल था। लेकिन शिमला का सर्दियों में अलग एक्सपीरियंस है और बरसात में अलग एक्सपीरियंस है। तो मेरे को ये सबसे बेस्ट जो बरसात में जो यहाँ पे धुंध पड़ी होती है ना, ये सबसे बेस्ट लगता है। और रात के टाइम पे तो ये और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। जब सद्भावना चौक में तो ये वाला रास्ता जो है ये कुसुमटी की तरफ जाता है और ये सेक्ट्रेट की, ये वाला जो रोड है ये सेक्ट्रेट की तरफ चला जाता है और ये नीचे कुसुमटी की तरफ। तो हमने जाना है कुसुमटी वाली साइड। कल की बारिश भी पड़ना जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और कोशिश करते हैं कि फटाफट जो है अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएं। तो आइए पहले माथा टेक लेते हैं। जय हो भगवान, मालिक भला करना मेरे मालिक। वो बहुत तेज़ हो चुकी है और क्या बताऊं मैं आपको, खज्जल हो गए हम तो बहुत ही ज़्यादा। बालों की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और बारिश बहुत ही तेज़, बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है बारिश। जो काम है शिमला का वो भी कंप्लीट हो चुका है और बारिश थोड़ी सी थमी है। तो हम सोच रहे हैं कि क्यों ना फटाफट बस ली जाए और फटाफट जो है वो घर निकल लिया जाए, क्योंकि हो सकता है कि मुझे 1-2 दिन बाद फिर से जो है वो शिमला जो है वो आना पड़े, क्योंकि कुछ थोड़ा से फिर से कुछ डॉक्यूमेंट्स में जो कुछ कमी रह गई है तो उसके लिए मुझे जो है वापस शिमला आना पड़ेगा।